नमस्कार, एक्यूरेट टीवी के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक और मोटिवेशनल स्पीच। आज का टॉपिक है डर के आगे जीत है। दोस्तों, डर जीवन का हिस्सा है और यह हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन कभी कभी हम डर को अपनी आदत बना लेते हैं और डर इतना हावी हो जाता है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। डर का सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी होता है, या डर तब लगता है जब हम कोई नई चीज करते हैं। जब हम अपने आरामदेह दायरे से बाहर कोई काम करते हैं तो हमें डर लगता है। लेकिन डर को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है वह कार्य जरूर करें जिसमें आपको डर लगता है। आप डर को डर का सामना करके ही समाप्त कर सकते हैं। गलतियां सबसे होती हैं और यह कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं। ज्यादातर सफल लोगों के अनुसार गलतियां और असफलताएं हमारे जीवन में अति आवश्यक हैं, और इसका महत्व सफलताओं से भी अधिक है। हम गलती करके ही सीखते हैं और कोई दूसरा बेहतरीन तरीका नहीं है। महान लोगों के अनुसार आप जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं उतनी ही ज्यादा आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने कभी गलती ही ना की हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और जन्मसिद्ध अधिकार भी। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते, तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं हैं। आप तो एक प्रयास करते हैं और इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी फेल्योर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते हैं। आप गलतियों के डर से डरिए मत। डरना तो उन्हें चाहिए जिनमें इस भय के कारण प्रयास करने की भी हिम्मत ना हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं छुपी होंगी। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका कहना भी है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल होता हूं। आप कुछ करने से हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़े होकर कोई सवाल करना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी जरा सी हिम्मत आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। सचमुच डर के आगे जीत है। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की एक रचना में उन्होंने लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की यह कविता हमें सफल बनने के लिए प्रेरित करती है। एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच एक छोटा सा फर्क होता है। सफल व्यक्ति अपनी एक बार की हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराता है, और असफल व्यक्ति उसी गलती को बार बार करता है। असफलता से यदि आप कुछ सीखते हैं तो यह सफलता के लिए मील का पत्थर है। यदि नहीं तो असफलता सिर्फ आपके समय की बर्बादी है। कल्पना कीजिए, दो बच्चे रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला बच्चा 100 मीटर की रेस को रिकॉर्ड समय में पूरा करता है, लेकिन 200 मीटर में ऐसा करने में असफल हो जाता है। अगले प्रयास में उसने 200 मीटर को समय पर पूरा कर लिया, लेकिन 300 मीटर को पूरा नहीं कर पाया। उसका हर प्रयास उसे अगली बार सफल होने में मदद करता है। वह कई बार फेल हो रहा है, लेकिन हर प्रयास के बाद वह ज्यादा बेहतर हो रहा है। इससे उलट दूसरा बच्चा पिछली 200 मीटर की रेस को रिकॉर्ड समय में पूरा नहीं कर पाया। या तो वह रेस की शुरुआत ठीक ढंग से नहीं करता है, या रेस पूरी नहीं करता है, और या वो बीच में छोड़ देता है। दूसरे बच्चे में कोई प्रगति नहीं हो रही है। इस स्थिति में वो हताश हो सकता है, या वो दौड़ना पसंद नहीं करता है, या वो दौड़ता है भले ही उसमें दौड़ने की योग्यता नहीं है। या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस बच्चे ने रेस शुरू होने से पहले ठीक से रेस की स्टार्टिंग या एंडिंग टैक्टिक्स की प्रैक्टिस नहीं की है। इसका मतलब है कि उसने जितने प्रयास किए वो सारे प्रयास व्यर्थ गए। इस प्रकार दोनों बच्चों में अंतर साफ है। असफल होना तब तक सही है जब तक यह आपको आगे बढ़ने में मदद करे। यदि बहुत सी असफलताओं के बाद आप में कोई सुधार नहीं हो रहा है,
तो यह अपने आप में इस बात का इशारा है कि इसका यह कार्य आपके अनुकूल नहीं है। आप अपने पसंद का कोई अन्य काम करें या इस काम को थोड़े समय के लिए टाल दें। अब सवाल यह है कि यह कैसे पता करें कि असफलताएं आपकी सफलता में मददगार हैं या नहीं। क्या आपको लगता है कि आपने इन असफलताओं से कुछ सीखा है या सीखने में कोई सुधार नहीं हुआ है? आपके मन में जो हताशा उपजी है उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, या तो कार्य कठिन है। दूसरा, या तो आप इसे सिर्फ समय की बर्बादी समझते हैं। आपने जब से शुरुआत की है तब से अब तक आप में कितना सुधार हुआ है, इसको पता करने के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति या दोस्त की मदद ले सकते हैं जो ईमानदारी से अपनी राय दे। क्या आपने कभी अवकाश लेने का सोचा? कभी कभी इन असफलताओं से भी ऐसी सीख मिलती है जो तब सामने आती है जब आप इस कार्य से अलग कोई दूसरा काम करते हैं। इसलिए थोड़ा अवकाश लेकर देखें, ये असफलताएं भी आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगी। असफलता से सीखने योग्य कुछ बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान से देखें और पुनरावलोकन करें तो आपको सफल होने के लिए मदद मिल सकती है। असफलता आपको फीडबैक देती है जिससे आप अगली बार अपने काम में और सुधार करते हैं। ध्यान रखिए, हार के बाद ही जीत है, रात के बाद ही सुबह होती है। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे बल्कि गलतियों को एक ही कारण से दोहराने से आप बचेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्यूरेट टीवी और पूरा ग्रुप आपके इस समर्थन के लिए आपका आभारी है। धन्यवाद।